यह चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत के संविधान में हम लोग जब भारत संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को उसी समय हम शपथ लिया था, एक प्रतिज्ञा कि हम भारत के लोग भारत को संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाले तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अर्पित करते हैं। मतलब हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को एक संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मार्पित किया था और उसी से देश चल रहा है। साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एक बात और आती है कि संविधान में बहुत सारी नकल की गई है, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से नकल की गई है, जबकि हम जब अपना आज का अपने साहित्य को देखते हैं, अगर हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जाते हैं, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों की सूची देखते हैं, उस सूची से ज्ञात होता है कि जिस समय टेम्स नदी और इलार पर्वत पर, युवराज पर्वत और टेम्स नदी के आसपास असभ्यता के जीवन यूरोप वाले जी रहे थे, उस समय भारत में मगध और जो 16 महाजनपदों में तमाम जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हो गई थी और उस समय नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ जो है विश्व प्रसिद्ध थे। ये चीजें आप लोग इससे कभी मत होइएगा कि जो कुछ मिला हमको यूरोप से मिला या हम कहें कि नकल किया है, हम नकल नहीं किया है, बल्कि हमारे यहाँ यह व्यवस्था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से थी। प्यारे बच्चों, एक चीज और मुझे बताना है कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी क्लासरूम से अछूत के नाम पे रूम से बाहर खाया जाता था, वही अम्बेडकर पढ़ लिख करके भारत का संविधान लिखते हैं। और जिनको एपीजे अब्दुल कलाम मिसाल के रूप में आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम जिनको जो कभी बचपन में अपने अखबार बेचा करते थे लेकिन शिक्षा के दम पर, पढ़ाई के दम पर मिसाइल मैन कहे गए और भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। यहाँ हमारा बताने का मतलब यह है कि आप लोग भी बन सकते हो, आप लोग भी दुनिया में चमक सकते हो, आप लोगों के सामने गरीब नहीं आएगी। अगर आप तय कर लोगे कि हमें इस दुनिया में चमकना है तो शिक्षा के दम पर आप लोग चमक सकते हो। अपनी वाणी समाप्त करने से पहले मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे, उनके बहुत पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, हमारे इनके माँ बाप